मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आह्वान किया कि सभी भगवान श्री कृष्ण के कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग को आत्मसात कर अपना जीवन राष्ट्र सेवा और निर्धन कल्याण के लिए समर्पित करते हुए सार्थक करें। मुख्यमंत्री ने निवास पर जन्माष्टमी के पारिवारिक कार्यक्रम में परिजन के साथ हिस्सा लिया। बिरला मंदिर में किए दर्शन। मुख्यमंत्री ने बिरला मंदिर पहुंचकर राधा कृष्ण के दर्शन कर प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। जब जब भगवान की जरूरत होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सिद्धाम्यम परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवादि योगे योगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, असुर पापी बढ़ते हैं, तो उनका विनाश करने और सज्जनों का उद्धार करने भगवान बार बार इस धरती पर आते हैं। ये गीता जी में कहा है। मैं संपूर्ण प्रदेशवासियों को, देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूँ और कन्हैया से यही प्रार्थना है कि सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि देश और जनता की जिंदगी में आए, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और कोरोना अब हमारे देश और दुनिया से भाग जाए, समाप्त हो। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम सफल हैं। इस बार केवल हम लोग परिजन बहुत थोड़ी संख्या, वैसे तो पूरा प्रदेश ही परिजन है। भगवान कन्हैया की पूजा सवेरे भी की है, झांकी भी बनी है घर के अंदर ही, और रात को 12 बजे जन्मदिन मनाएंगे। पहले मटकी फोड़ने में बहुत भीड़ होती थी, अब भीड़ नहीं होगी, लेकिन मटकी फोड़ने की परंपरा कायम रहेगी और जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करती है। घर के अंदर ही कन्हैया का जन्मदिन हमारी धर्मपत्नी हमेशा खुद अपने हाथों से भगवान कन्हैया की पूजा करती हैं, सजाती हैं। उनके जन्म से लेके बचपन की लीलाओं से लेके वसुदेव भगवान जब लेके जा रहे हैं यमुना जी में, यमुना जी से निकल रहे हैं, तब से लेके गोवर्धन पर्वत उठाने तक की सारी लीलाएं चित्रित की गई हैं और ये लीलाएं देख के मन भी प्रसन्न होता है और बुद्धि भी सन्मार्ग पर चलती है और आत्मानंद मिलता है।